के हवाले से जो फैसला हुआ वो आप जानते हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई, लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपने लीडर का फैसला किया और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। अब फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फिलहाल चार इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 42 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स, सो 46। सर, हाउस कब तक जा रहे हैं आप? मैंने अब या तो आप सुनते नहीं हो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने अभी आपसे कहा कि हम कांग्रेस के साथ बात कर रहे हैं ताकि उनकी चिट्ठी आ जाए, कांग्रेस की चिट्ठी आ जाती है तो फौरन जाएंगे। आज का दिन हमने दिया कांग्रेस को, वो अपना कार्रवाई कर ले। चलो 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 चलो। हवाले से जो फैसला हुआ वो आप जानते हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई, लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपने लीडर का फैसला किया और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। अब फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फिलहाल चार इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 42 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स, सो 46। सर, हाउस कब तक जा रहे हैं आप? मैंने अब या तो आप सुनते नहीं हो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने अभी आपसे कहा कि हम कांग्रेस के साथ बात कर रहे हैं ताकि उनकी चिट्ठी आ जाए, कांग्रेस की चिट्ठी आ जाती है तो फौरन जाएंगे। आज का दिन हमने दिया कांग्रेस को, वो अपना कार्रवाई कर ले। चलो 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 चलो।